ये वाला भी फ्रिक्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो फ्रिक्शन के जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है, फ्रिक्शन की फितरत क्या है उसको समझाने की कोशिश की गई है। इस वाले क्वेश्चन में एक ब्लॉक है और ये दीवार है यहाँ पे, और ब्लॉक और दीवार के बीच में जो म्यू एस की वैल्यू 0.2 गिवन है और म्यू के की वैल्यू 0.1 गिवन है, और इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए इधर एक फोर्स भी लगाया गया, ठीक है। इधर एक फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर इस तरफ, हो सकता है कि ब्लॉक रुके भी उस तरह ना भी रुके, यहां पे ये भी हो सकता है कि ना ही रुके ब्लॉक और ये भी रुक जाए ब्लॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 सेकंड के बाद अगर इस फोर्स की वैल्यू 80 है तो, फिर से सोल्व करना है, फिर बताना है कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर इस फोर्स की वैल्यू 100 है तो। फिर एक तीसरा केस, अगर फोर्स की वैल्यू अगर 120 है तो उस केस में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 सेकंड के बाद, आपको ये बताना है इसके अंदर। इसमें देखिए आप, ये वाला 3 क्वेश्चन है, मतलब बाय द वे जी कोई एक क्वेश्चन, ये 3 है। अगर फोर्स की वैल्यू 80 हो तब इसको सोल्व करना है, फोर्स की वैल्यू 100 हो फिर से सोल्व करना है, और अगर फोर्स की वैल्यू 120 हो फिर से सोल्व करना है। समझ आ गई बात आपको? सबसे पहले तो अगर फोर्स की वैल्यू 80 है तो, हाँ जी, अगर फोर्स की वैल्यू अगर 80 न्यूटन है तो एक बात बताओ, सबसे पहले कोई भी फ्रिक्शन का अगर क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? FS max और FK निकालते हैं। पहला स्टेप ये क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम लोग? FS max और FK। FS max की वैल्यू कितनी होगी बताओ? पहले वाले केस में FS max की वैल्यू μs into n, और FK की वैल्यू बताइए μk into n। FS max μs की वैल्यू 0.2। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जितना फोर्स लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगेगा, कितना लगेगा बताइए? 80 लगेगा। कितना लगेगा यहाँ पे? 80 लगेगा। आपने अगर 80 लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा इसमें? 80 लगेगा यार, आप जितना लगाओगे उतना नॉर्मल रिएक्शन, तभी तो ब्लॉक ओरिजेंटल में कहीं जा नहीं रहा, ये ब्लॉक ओरिजेंटल में तो कहीं जा रह सकता है, तो नीचे जा सकता है क्या? ये इधर तो आ नहीं सकता और ना ही इस दीवार के अंदर ऐसे घुस सकता है इधर, इसका मतलब ओरिजेंटल में तो फोर्स बैलेंस है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से 80 को बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन से 80 के बराबर हो जाएगा, तो ये बात मानते हो ना कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 80 होगी यहाँ पे, जो इस ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन का 80 लगेगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है। अब यहाँ पे म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.1, नॉर्मल रिएक्शन 80, तो कितना हो जाएगा बताइए? इसको सोल्व करोगे तो ये 16 न्यूटन है, और ये कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 8 न्यूटन। ये 16 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है एफ के की वैल्यू, ठीक है जी। चलो अब एक बात बताओ, नीचे एम जी लगेगा, एम जी कितना लगेगा बताइए आप? 20 न्यूटन लगेगा। ये अप्लाइड फोर्स यही है यहाँ पे, यही फोर्स की ये ब्लॉक की मोशन करवाने की सोच रहा है, यही मोशन होगी तो इसी की वजह से होगी, जिस ब्लॉक की मोशन जिस फोर्स की वजह से हो रही है वही अप्लाइड फोर्स की तरह काम करेगा। ये जो एम जी लग रहा है 20 न्यूटन का, यही ब्लॉक को नीचे की तरफ चलवाने की कोशिश कर रहा है, तो यही अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अप्लाइड फोर्स वो होता है जब कोई एजेंट लगाए, यहाँ पे 20 न्यूटन ही अप्लाइड फोर्स है, और इस अप्लाइड फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इसको रोकने, दीवार जो इस ब्लॉक में फ्रिक्शन लगाएगी वो ऊपर की तरफ लगाएगी, दीवार जो फ्रिक्शन लगाएगी वो किस तरफ लगाएगी? ताकि नीचे जाने से रुके, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, चलने से रोकता है, तो अगर ये नीचे की तरफ चलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगेगा इसके ऊपर, तो नीचे की तरफ ये 20 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा जी दीवार की वजह से ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ। आप बता सकते हो कितना लगेगा इसमें? हाँ जी, कितना लगेगा बताओ? फ्रिक्शन आप सोच के बताइए कितना लगना चाहिए फ्रिक्शन इसके? 8 लगना चाहिए, 8 लगना चाहिए। 8 कितने बच्चे बोल रहे हैं? 8 लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, और बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? कितना लगना चाहिए फ्रिक्शन? आगे वाले ये बहन लोग कितने बोल रहे हैं? कितने मतलब कितना फ्रिक्शन लगेगा? अब भाई लोग बोलना तो गलत हो जाएगा, तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 8 लगेगा, 8 लगेगा। आपको फ्रिक्शन की फितरत समझ में नहीं आई? सुनो, फ्रिक्शन लगेगा 20 लगेगा। शाबाश। और कोई स्टूडेंट? अगर फ्रिक्शन के बारे में दिल से सोचोगे ना तो फ्रिक्शन की कहानी समझ में आ जाएगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको यार,
उसको दिल से चाहना पड़ेगा आपको फ्रिक्शन को, उसे दिल लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन से। मतलब सर क्या क्या बोल रहे हो, मतलब ये फ्रिक्शन से आपको जुड़ना पड़ेगा यार, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, सीधी सी बात है। इसके अंदर सुनो आप, क्योंकि ऐसे वर्ड इसलिए बोले जाते ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इसके अंदर सुनो आप, देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता हूँ 16 रेस्ट में रहते हुए, और अगर चल ही पड़ा हो तो ब्लॉक में 8 लगता हूँ भाई। रेस्ट में रहते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा टक्कर कितने की ले सकता हूँ, 16 की। 16 से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसने अपनी लिमिट डिसाइड कर दी। मैं 16 से ज्यादा लगने का मतलब ही नहीं है, इसने पहले ही कह दिया 16 से ज्यादा तो मैं लग ही नहीं सकता जो कुछ भी हो जाए। तो आपका आंसर 20 कैसे आ गया था फिर, मतलब क्या सोच के 20 कह दिया था, जब फ्रिक्शन ने अपना डिसाइड कर रखा है कि मैं 16 से ज्यादा नहीं, एफएस मैक्स से ज्यादा कभी नहीं लग सकता वो, और वो भी तब जब वो रेस्ट में रहते हुए। और एक और बात, जब 20 लग गया नीचे, जब 20 लग गया नीचे तो फ्रिक्शन को पता है इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहना। अब फ्रिक्शन को पता है कि चल गया, अब तो चल ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे 20 लग रहा है यार मेरी, मतलब औकात से ज्यादा लग रहा है, 16 से ज्यादा लग रहा है ये। जब 16 से भी ज्यादा लगा दिया तो फ्रिक्शन अपने आप को कम कर लेगा, फिर अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अपने आप, 8 हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ब्लॉक चल पड़ा, चल पड़ा तो सीधा ही शुरू से स्टार्टिंग से ही वो 8 हो जाएगा एकदम से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि मतलब ऐसा नहीं हुआ इसमें कि पहले थोड़ी देर तक तो 20 लगा फिर सोचा चलो चल पड़ा अब तो 8 हो जाऊँ, ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही 8 हो जाएगा। जब शुरू से ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस एफ एस मैक्स से ज्यादा है तो वो शुरू से ही अपनी वैल्यू 8 करके रखेगा एकदम से। इसमें फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 8 ही लगेगा इसके ऊपर। हाँ जी, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो, फिर भी मतलब अभी भी डाउट है तो मन में। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ओजस क्लियर आपको ये? ठीक है, अब आ जाओ। नीचे लग रहा है 20, ऊपर कितना लग रहा है 8, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ? नेट फोर्स आएगा 12 न्यूटन, और किस तरफ आएगा ये? नीचे की तरफ आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? नेट फोर्स बाय मास 12/2, 6 m/s² का एक्सेलरेशन होगा, 6 का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। और अगर एक्सेलरेशन 6 का है इसका, एक्सेलरेशन अगर 6 का है तो वेलोसिटी 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? v = u + at, u की वैल्यू बताओ 0, एक्सेलरेशन 6, टाइम की वैल्यू 4, आंसर इज 24 m/s। ये पहले वाले का आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 24 m/s। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? कोई शक किसी को? सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। अभी सारी सिचुएशन फिर से आ गई, एक नई चीज़ें आ गई, सब कुछ फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से समझना इसको, अगर पहले वाला भी कम समझ में आया तो अब आ जाएगा। ये सारी सिचुएशन हटा दो, अब नई कहानी आएगी। अब अभी आपने लगा दिया फोर्स कितना इस तरफ, 100 का फोर्स 100 लगा दिया। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? दीवार इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगी? 100 लगाएगी, क्योंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में मोशन नहीं कर रहा, इसलिए आपने 100 लगाया, दीवार 100 ही लगाएगी ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। आ रही है बात समझ में आपको? चलो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग गया जी 100, नॉर्मल रिएक्शन 100 लग गया, नॉर्मल रिएक्शन 100 लग गया जी। अब देखो अगली बात, एफ एस मैक्स कितना आएगा ये बोलो। चलो μs into n कितना, μs की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 20, ये कितना आएगा? ठीक है जी, अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, 20 लगेगा, 20 लगेगा, 20 कितने बच्चे बोलते हैं 20 लगेगा, इसमें तो ये बोलते हैं 20 लगेगा। ओके, नीचे हाथ कर लो। इसके अलावा 20 के अलावा किसी को और कोई आंसर लगता है तो वो बता दो। हाँ जी, क्या आंसर लगता है? और बेइज्जती हो जाएगी ऐसे थोड़ा सर। अरे सुनो आप, वाह बताओ आप, ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, नहीं चलेगा, सोच लो, पक्का नहीं चलेगा? कसम खा के बोल रहे हो?
उसकी थोड़ी ना खाने की कसम है, उसकी कसम खा रहा है। देखो इसके अंदर जो है, सुनो आप ध्यान से, इसका आंसर ये है कि आपने एम जी लगाया 20, तो फ्रिक्शन जो है ना, देखो फ्रिक्शन ये ना अभी शुरू में रेस्ट में था, फ्रिक्शन क्या कहता है कि रेस्ट में रहते हुए तो मैं 20 तक मुकाबला कर लूंगा, लेकिन एक बार एक चल पड़ा ना ये ब्लॉक, अगर एक बार चल पड़ा तो फिर मेरे बस की बात नहीं रहेगी, फिर मैं 20 नहीं लग पाऊंगा, फिर मेंबर को 10 होना पड़ेगा अगर एक बार ब्लॉक चल पड़ा तो। चलने से पहले पहले मैं 20 तक मुकाबला कर लूंगा, एक बार चल पड़ा तो फिर मेरे मैं 20 भी नहीं लग पाऊंगा, फिर तो मेरे को 10 लगना पड़ेगा अगर चल पड़ा तो। अब एक बात बताओ, एम जी कितना लग रहा है? 20 लग रहा है, तो ऊपर ये मुकाबला कितने कर लेगा? 20 लगा लेगा ये अपना, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, अब चला तो है ही नहीं, चलने के लिए एक बार तो थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, 20 से थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा हो जाता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो होना चाहिए चलाने के लिए, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा कहीं से, या तो कोई फूंक मार दे ऊपर से हल्की सी, ऐसे करके समझ रहे हो ना, ऐसे फूंक मार दे तो नीचे जाएगा ये, फिर क्या होगा, फिर तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, क्यों? फूंक मारते ही क्या हो जाएगा, ये चल पड़ा, चल पड़ते ही ये 20 भी नहीं लग पाएगा, फिर कितना लगना पड़ेगा इसको? 10 लगना पड़ेगा, और नीचे लग रहा है 20, फिर तो एक्सेलरेट कर जाएगा फुल, किसी ने हल्का सा भी यूं कर दिया ना तो फुल एक्सेलरेट करेगा, फिर तो ये अटका पड़ा है यहाँ पे, क्यों अटका पड़ा है? क्योंकि नीचे लग रहा है 20, नीचे 20 लग रहा है तो फ्रिक्शन अभी तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहते हैं तो बराबर की टक्कर ले लेगा, ये बराबर की टक्कर ले लेगा, ये 20 लग जाएगा, ब्लॉक इंपेंडिंग रेस्ट में जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग होगा। तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसका आंसर है कि मतलब वेलोसिटी इसकी 4 सेकंड बाद 0 ही होगी, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी भी 0। यस, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर लो, एक जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना, गुड। अब सुनो अगली बात, अगला केस, तीसरा केस है ये वाला, अब एक नई सिचुएशन फिर से बनेगी। इस केस में फोर्स लग रहा है 120, इस केस में फोर्स लग रहा है 120। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, बताइए? नॉर्मल रिएक्शन 120 का लगेगा। अभी आपको FS max और FK निकालना है, पहला स्टेप तो यही था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है FS max और FK निकालना। इस केस में बताओ FS max कितना आएगा? म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे FK आएगा म्यू के इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस के लिए 0.2, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे है 120, और यहाँ पे 0.1 इंटू 120, ये तो आएगा 24 न्यूटन, और यहाँ पे कितना आएगा बताइए? 12 न्यूटन। नीचे एम जी कितना लग रहा है? 20। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 लगेगा, 12 लगेगा, 12 कितने बच्चे कह रहे 12 लगेगा, जो कह रहे 12 लगेगा, शाबाश, जो कह रहे हैं कि 20 लगेगा, जो कह रहे 24 लगेगा, आप कह क्या रहे हो? कुछ तो कहो, कुछ तो कह दो यार, सर जिंदगी में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। देखो इसके अंदर जो ना आप यार, मैंने बात बताई थी आपको, एक एग्जांपल दिया था, उसके पास लड़ाई करने के लिए हर टाइप का हथियार है, उसके पास चाकू भी उसके पास है, उसके बंदूक उसके पास है, 100-100 आदमी उसके पास है, तो यार जितनी जरूरत है उतना लगेगा। एक बात बताओ, सामने वो एक रिक्शा वाला था, वो बिल्कुल ऐसे हिलता डुलता हुआ आया, उसने कुछ बोल दिया तो ये 100 आदमी थोड़ा ना बुला लेगा, जितनी जरूरत है उतनी अपनी पावर यूज करेगा। फ्रिक्शन की औकात है 24 की, 24 वो ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन 20 अपनी पूरी औकात कभी दिखाता नहीं है ऐसे, जब तक जरूरत नहीं है। यहां पे नीचे लग रहा है 20, फ्रिक्शन का पर्पज है उसको रोकना, सिर्फ उसको रोकना, उसका पर्पज है, उसे फालतू का कोई पर्पज नहीं है, और वो 24 तक लग सकता है जरूरत पड़े तो, बट वो लगेगा कितना इस केस में? 20, इसको रोकना है, उसका पर्पज पूरा हो गया यार, बात खत्म, पर्पज पूरा करना उसका मतलब जो है काम था बस हो गया, रोकना उसका पर्पज था यार, रुक तो गया ना यार, तो 24 क्यों लगेगा? एक बच्चा बोला 24 लगेगा, 24 ऊपर लगा दोगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, फिर तो नेट फोर 4 न्यूटन का नहीं हो जाएगा, और कुछ बोल रहे कि सर 12 लगेगा, ये 12 क्यों लग रहा है भाई यहाँ पे? ब्लॉक चल रहा है या मोशन में है क्या ब्लॉक? अरे मोशन में है क्या, बता दो ना यार। अरे मोशन में नहीं, रेस्ट में ना यार, ये रेस्ट में तो कितना लगेगा इस केस के अंदर? 20 लगेगा भाई, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो इसका आंसर रेस्ट में ही रहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकंड 0 हो जाएगा इस केस के अंदर, इसका आंसर ये, बात समझ में आ गई होगी आपको?